बिजली के उपकरणों के लिए अर्थिंग, धातु लगे सभी बिजली उपकरणों जैसे फ्यूज यूनिट, एसटीआई, एनर्जी मीटर और कटआउट्स के लिए अर्थिंग बहुत जरूरी है। साथ ही सर्विस केबल आर्मर को भी अर्थिंग से जोड़ा जाना चाहिए। हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वायरिंग के लिए भी अर्थिंग अनिवार्य है। सुरक्षित बिजली सप्लाई IS 3043 के दिए निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिनमें मुख्य रूप से सर्विस एंड पर सिर्फ केबल आर्मर और LT स्विच गियर को ग्राउंडेड की अर्थिंग व्यवस्था करना, मीटर रूप में 25x3 mm के GI स्ट्रिप को अर्थ पिट के अर्थिंग स्पाइक से जोड़कर उस जगह पर GI प्लेट को अर्थिंग दी जाती है। सर्विस केबल के पास 1x1x3 inch माप का एक अर्थिंग पिट होना चाहिए। अगर ग्राउंड सरफेस, मीटर केबिन या उसके आसपास सीमेंट और कंक्रीट की सतह बनी हो तो अर्थ रेसिस्टेंस की माप करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए एक दिशा में ही 3 जगहों पर अर्थ मेजरमेंट पिट्स होने चाहिए। इनकी दूरी ज्यादा से ज्यादा 25 मीटर होनी चाहिए। मेन GI स्ट्रिप से LT स्विच गियर को 25x mm में एल्यूमिनियम से अर्थिंग दी जानी चाहिए। इस स्विच गियर में FU पर एक अर्थिंग बोल्ट लगा होता है। ग्लैंड अर्थिंग को 25x mm के एल्यूमिनियम जम्पर से जोड़ना जरूरी है और धातु के बने मीटर बॉडी के आयरन क्लेट कटआउट को 3x16 के नंगे एल्यूमिनियम तार से अर्थिंग दिया जाना शामिल है।